मिस एशिया पैसिफिक चुनी गई थी जी. क्या ये सच है कि हैदराबाद में एक हार्ट ब्रेक के बाद एक थेरेपी के तौर पे आप मुंबई आके आपने दैट्स ट्रू एक्चुअली बताइए. मुझे प्यार हो गया था और एक तरफा प्यार था और मैं पागल हो रही थी तो यू लाइक समबडी एंड ही डिड नॉट लाइक यू बैक. नो, यकीन करने वाली बात नहीं है. इट हैपेंस. इट हैपेंड विद मी आल्सो. सो तभी उसी दौरान ये ऑफर आया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से. उन्होंने मुझे कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बुलाया. एंड आई वॉज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग. आई वॉज वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग लाइक एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन अ मल्टी मीडिया कंपनी. मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और थोड़ी सी मॉडलिंग कर रही थी. तो उन्होंने मेरी तस्वीर कहीं देखी तो उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन लेटर भेजा कि यू नो दे यूजली डू लाइक देयर इज अ होल सिलेक्शन प्रोसेस बट फॉर सम रीजन आई जस्ट गॉट इन्वाइटेड एंड आई टुक दिस लेटर एंड ऑनेस्टली मैं जानती हूँ बहुत लड़कियों का सपना होता है कि मैं बड़ी होंगी मुझे मिस इंडिया बनना है ये वो. पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था. आई नेवर टुक माई लुक्स सीरियसली. मे बी बिकॉज माई मदर वुड ऑलवेज टेल मी जब भी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता तो माई मॉम वुड ऑलवेज से डोंट लेट दैट गेट योर हेड. सो आई नेवर इट वॉज नेवर अ कॉन्शियस पार्ट ऑफ मी. एंड सो आई गॉट दिस इन्विटेशन एंड टुक द लेटर टू माई पेरेंट्स एंड माई मदर इंस्टेंटली सेड नो. अच्छा. क्योंकि मुझे जाना था बैंगलोर लॉ कॉलेज ज्वाइन करने के लिए और मॉम चाहती थी कि मैं लॉ पढ़ूँ एंड इट वाज अब्बा हु सेड नहीं इसे जाने दो. यू नो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. शी इज़ नेवर बीन अवे फ्रॉम होम. वो एक नए शहर जाएगी नए एक्सपीरियंसेस गैदर करेगी और इसका जो अभी दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है वो भी ठीक हो जाएगा. शी विल गेट टाइम टू हील एंड रिकवर फ्रॉम हर हार्ट ब्रेक. आपके अब्बा को मालूम थी ये बात? ऑफ कोर्स. आई हैव ऑलवेज लेड अ वेरी ओपन लाइफ. माय पेरेंट्स हैव नोन everything that I've done. Achha. They were my best friends. Mm. Yeah. My mother still is my best friend. Ah. Yeah. तो जब आपका heartbreak हुआ तो अब्बा ने क्या कहा? इसको जाने दो. जा बेटा जी ले. जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. यही अब एक मौका है ये पागल से छुटकारा दिलवाने का अपने लिए. So I left and he was right because कहते हैं ना कि माहौल बदल जाए कुछ नया रुख कुछ नई दिशा मिल जाए तो बदल जाती है जिंदगी. इट रियली. तो वो जो भी थे साहब वो जो शख्स थे अब देखते होंगे आपको तो कहते होंगे यार क्या किया. अब मैं देखती हूँ और सोचती हूँ मेरे दिमाग को क्या हो गया था. अच्छा मुझे कुछ बताइए उस शख्स के बारे में. A very very interesting thing that my mother told me at that age. She said, अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी पर जब तुम बड़ी होगी थोड़ी और बड़ी होगी और तुम्हारे hormones stabilize होंगे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि the best way to discover whether you actually have feelings for a person is to wait. Wait. Learn to wait. Time tells you everything. So I applied that to Sahil Sangha. He made me wait for 7 years. My first crush, I'll tell you about, was really cute. He was a senior in school. He was 1 year senior to me in class. And me and my best friend both had a crush on this boy. And he also had a crush on both of us. So he would call her and play this song, I Just Called to Say I Love You, on the phone and hang up. And he would do the same thing with me. And he didn't realize ki ek din aisa aayega jab ye ladkiyan discuss karengi. Haan, ek dusre se kahengi. कि मुझे ना ऐसे फ़ोन आते हैं और मेरा हाथ मेरा दिल ऐसे धुम 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 करता है. सो वी डिस्कस्ड इट एंड देन वी बोथ गॉट रियली एंग्री. तो सीधे गए प्रिंसिपल के ऑफिस और उस लड़के को रिपोर्ट किया. तो बस हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया. मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. बट दैट वाज समथिंग गुड यार. हम बांटने के लिए तैयार नहीं थे हमारा पहला प्यार. और वो गाना है पहला नशा पहला खुमार. हाँ. सो दैट्स दैट फिल्म इज जस्ट रिलीज. सो वी यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग ऑन रिपीट. जोजीता वही सिकंदर. हाँ, फ्रॉम जोजीता वही सिकंदर. एंड फील लाइक हम भी उड़ते ही चले जा रहे हैं हवाओं में. आई एम श्योर खून से लिखे हुए खत भी आपको आते थे. मैंने कहीं सुना. क्या 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 मतलब क्या क्या रिसर्च करके आ रही हूं. मैं गेस भी मार रही हूं कि सही है. अच्छा ये अच्छा. हाँ आए हैं खून से लिखे हुए खत और बहुत डिस्टर्ब हुई थी मैं.
जब पहली बार ऐसा खत मिला था एंड आई वाज लाइक दिस इज रियली नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव प्लीज डोंट डू दिस नॉनसेंस एवर अगेन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई विल नेवर बी इम्प्रेस्ड विद स्टफ लाइक दिस बट देयर वाज वन लेटर आई रिसीव्ड वेयर एवरी सेंटेंस वाज रिटन विद अ डिफरेंट कलर ऑफ इंक और कुछ 15 पेज की चिट्ठी थी वो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड लाइक ये तो बड़ा मेहनती लड़का है आई स्वेयर तो मतलब यू गॉट ऑल काइंड्स ऑफ गुड अटेंशन बैड अटेंशन जब आप बड़ी हो द होल मिक्स व्हिच आई थिंक ऑल गर्ल्स एट सम लेवल गेट